हेलो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक आरएल सर्किट पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और जो इंडक्टर है इसका हम लोग बिहेवियर देखेंगे कि टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पर इंडक्टर किस तरह से वर्क करता है और टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर किस तरह से वर्क करता है ठीक है टी इक्वल टू इन्फिनिटी को हम लोग आफ्टर लॉन्ग टाइम भी बोलते हैं और टी इक्वल टू ज़ीरो को जस्ट स्विच ऑन भी हम लोग बोलते हैं ठीक है सो so, इसके लिए एक न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है देखिए इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू टेन ओम है इंडक्टर फाइव हेनरी का है यहाँ पर ट्वेंटी ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड दिस वोल्टेज सोर्स इज टू वोल्ट हेयर इज ए स्विच के सो एट टी इक्वल टू जीरो स्विच के इज इंसर्टेड मीन्स टी इक्वल टू जीरो पर क्या किया गया इस स्विच को इस पॉइंट पर कनेक्ट किया गया और सर्किट कंप्लीट हुआ सो so फर्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का द इनिशियल करेंट थ्रू द बैटरी मीन्स इनिशियल करेंट मीन्स टी इक्वल टू जीरो पर करेंट क्या होगा ठीक है इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर t इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा देन थर्ड इज फाइनल करेंट थ्रू टेन ओम रजिस्टर सो फाइनल करेंट बोला गया है सो so इसको t इक्वल टू इंफिनिटी और लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम मानिए ठीक है थीके? इस तरह भी बोल सकता t, sorry, t है आफ्टर लॉन्ग टाइम निकालिए आफ्टर टी सॉरी टी इक्वल टू इन्फिनिटी निकालिए फोर्थ इज फाइनल करंट ट्वेंटी ओम रजिस्टर सो इसका भी हम लोग जो एनालिसिस करेंगे टी इक्वल टू इंफिनिटी और लॉन्ग टाइम ठीक है सो देखिए इंडक्टर कैसे वर्क करता है इंडक्टर वर्क ऑन लेंस लॉ लेंस लॉ में क्या बोला जाता है कि इंडक्टर जो है एट टी इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर का काम क्या है जो चेंजेज इसमें होगा इसको अपोज करना ठीक है ठीक है सो इंडक्टर टी इक्वल टू जीरो पर टी इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर क्या करता है जो करेंट है करेंट फ्लो उसको अपोज करता है करेंट फ्लो को अपोज करता है अपोजेस करेंट फ्लो एट इक्वल टू जीरो अपोजेज करेंट फ्लो इंडक्टर का काम ये है ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर T इक्वल टू जीरो पर इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट सो फ्लो ऑफ करेंट को अगर अपोज करेगा सो so क्या होगा इंडक्टर का बिहेवियर टी इक्वल टू जीरो पर ओपन सर्किट की तरह होगा सो एट टी इक्वल टू जीरो ओपन सर्किट आपको कर देना है जहाँ भी इंडक्टर है उसको ओपन सर्किट करना है ठीक है मीन्स रिमूव इंडक्टर रिमूव इंडक्टर जहाँ पर भी फिर से ध्यान दीजिएगा जहाँ पर भी इंडक्टर कनेक्टेड है T इक्वल टू जीरो पे एनालिसिस करने बोला है तो उस जगह से इंडक्टर को हटा दीजिए जैसे इसको यहाँ से अगर हटा दिया जाएगा तो ये वाला पाथ जो देख रहे हैं ये ओपन हो जाएगा ठीक है रिमूव इंडक्टर देन फर्दर एट T इक्वल टू इन्फिनिटी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा इंडक्टर जो है वो फुल मैग्नेटाइज हो जाएगा फुल एनर्जी स्टोर कर चुका होगा सो टी इक्वल टू इन्फिनीटी पर इंडक्टर क्या होता है शॉर्ट सर्किट का तरह बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट है ना इंडक्टर बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट सो अगर इंडक्टर इस तरह से मान लीजिए बिटवीन ए एंड बी पॉइंट ठीक है तो आपको क्या करना है ए और बी पॉइंट के बीच में एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर देना है मीन शॉर्ट कर देना है इंडक्टर को सीधा एक वायर कनेक्ट कर देना है यहाँ पर ठीक है सो so, हम लोग इस तरह से एनालिसिस करेंगे इसका सो फर्स्ट पार्ट में आते हैं फर्स्ट पार्ट सो फर्स्ट पार्ट में है टी इक्वल टू जीरो पर सो टी इक्वल टू जीरो के लिए सर्किट ड्रॉ करते हैं देख लीजिए सिंपल दिस वन है ना इसको ओपन कर दिया हमने बस दिखाने के लिए आप लोगों को मैंने इस तरह से ओपन कर दिया है यहाँ पर ट्वेंटी ओम हो गया स्विच इज क्लोज देन दिस इज़ टू वोल्ट टू वोल्ट ठीक है एंड दिस इज टेन ओम ओके सो करंट कितना डिलीवर करेगा बैटरी इट इज़ आई करंट डिलीवर बाय द बैटरी इज आई लेट इट इज आई मान लेते हैं कि ये आई है ठीक है सो अभी देखिए क्या है टेन ओम और ये थर्टी ट्वेंटी ओम सीरीज में हो गया सो नेट सर्किट जो है वो इस तरह से कुछ हो जाएगा सिंपल वेरी सिंपल इट इज़ ठीक है थर्टी ओम ठीक है करंट आई एंड दिस इज़ टू वोल्ड करेंट का वैल्यू निकालिए आई भी इक्वल टू आई आर ठीक है सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वी बाई आर है ना सो भी का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है टू है और डिवाइड बाई थर्टी सो इट इज़ वन बाई फिफ्टीन एम पियर वन बाई फिफ्टीन एमपियर यह करेंट हो गया ठीक है so सो हमें बोला क्या गया है द इनिशियल करेंट थ्रू द बैटरी सो यही होगा वन बाई फिफ्टीन एम पियर इनिशियल करेंट सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है सेकेंड इज़ इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर सो देखिए इंडक्टर तो ओपन कर दिया आपने बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर बोला है मीन्स इंडक्टर के इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा सो so, ये वही पोटेंशियल होगा जो ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा ठीक है सो इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर है ना सो so, इसको हम लोग लिख देते हैं भी एल इनिशियल कर देते हैं ठीक है भी एल इनिशियल मीन्स इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर सो कितना हो जाएगा इट इज़ जो इस, इसके अक्रॉस होगा उसी वही इंडक्टर का क्रॉस होगा क्योंकि इंडक्टर के पैरल में रेजिस्टेंस है ठीक है सो so जो ये वोल्टेज होगा वही वो इंडक्टर का क्रॉस होगा ठीक है सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई दिस करेंट एंड आर टेन ओम सो टेन ओम यहाँ लिख देते हैं हम लोग बी इक्वल टू आई आर सो आई का वैल्यू वन बाई फिफ्टीन देन टेन सो कितना हो जाएगा इट इज़ टू बाई थ्री वोल्ट सिंपल टू बाई थ्री वोल्ट देन थर्ड इज़ फाइनल करेंट थ्रू टेन ओम रजिस्टर फाइनल करंट पूछा गया है टेम रजिस्टर में सो देखिए फाइनल सर्किट पहले ड्रॉ कर लीजिए सो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर को शॉर्ट कर देना है सो so, जैसे शॉर्ट करेंगे क्या हो जाएगा ये इस तरह से कुछ सर्किट हमारे पास बन जाएगा देख लीजिए दिस वन शॉर्ट कर दिया हमने इंडक्टर को ठीक है दिस इज द वोल्टेज सोर्स टू वोल्ट देन दिस इज द ट्वेंटी ओम ठीक है दिस इज टेन ओम दिस इज टू वोल्ट सो so, देखिए इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया गया सो पूछा है फाइनल करंट थ्रू टेन ओम रजिस्टर सो इस रजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा करंट नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि देखिए दिस इज हाई रजिस्टेंस पाथ एज कंपेयर टू दिस वन ठीक है और ये जो है प्योर कंडक्टर है सो so, अगर प्योर कंडक्टर से आपने कनेक्ट कर दिया सो प्योर कंडक्टर का रजिस्टेंस कितना होगा जीरो होगा जो रजिस्टेंस अब जीरो है सो टोटल करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा So, जब इसके थ्रू फ्लो करेगा तो इसके थ्रू करंट क्या होगा जीरो हो जाएगा सो थर्ड पार्ट में करंट थ्रू टेन ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ आई टेन लिख देते हैं इस तरह से याद रहेगा ठीक है करंट थ्रू टेन ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू जीरो ठीक है जीरो होगा ये जीरो एम्पियर ठीक है करेंट करेंट थ्रू थ्रू टेन ओम रजिस्टर ओके बन गया अब देखिए फाइनल करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर पूछा है सो तो 20 ओम में क्या हो जाएगा अब इसके थ्रू तो करंट नहीं जाएगा क्योंकि शॉर्ट हो गया बाईपास हो गया तो बाईपास जब हो गया तो सर्किट को और सिंपल कर दीजिए इस तरह से कर देते हैं ट्वेंटी ओम ठीक है और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जो सिंपल है टू वोल्ट का बस तो करंट कितना हो जाएगा इसमें आई सो तो यहाँ भी आई होगा यहाँ भी आई होगा आई होगा सो करंट थ्रू 20 ओम करंट थ्रू थ्रू 20 ओम रेजिस्टर 20 ओम रेजिस्टर क्या हो जाएगा इक्वल टू अगेन भी इक्वल टू आई आर सो भी बाई आर ट्वेंटी सो वन बाई टेन एम ये हो जाएगा सो टी इक्वल ट्वेंटी फिंटी पर इसमें पूछा जाएगा सो वन बाई टेन एम आप देखिए अगर पूछा जाता है कि नहीं ठीक है इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा है ना स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर ठीक है मान लेते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट था इसमें हम फाइव फिफ्थ पार्ट हम खुद ऐड कर देते हैं दिस इज फोर्थ ठीक है है ना एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर सो एनर्जी स्टोर हम लोग किस तरह से निकालेंगे सो so, देखिए T इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या हो रहा है ये वाला पाथ आप देख रहे हैं जो इंडक्टर ये शॉर्ट सर्किट हो गया सो so करंट कितना फ्लो हो रहा है इस इंडक्टर के थ्रू इस इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो यही करंट है डैट इज दिस वन वन बाई टेन एम्पियर ठीक है यही करंट आपका इस तरह से फ्लो करता हुआ जा रहा है इंडक्टर से होता हुआ जा रहा है ऐसे करके है ना ठीक है सो करेंट थ्रू इंडक्टर हो गया डैट इज आई एल इक्वल टू वन बाय टेन एम्पियर ठीक है सो एनर्जी कितना होगा इंडक्टर में ई एल इज़ इक्वल टू हाफ़ एल आई स्क्वायर यही फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर सो इट इज़ इक्वल टू हाफ एल का वैल्यू कितना है फाइव एन है और आई स्क्वायर करेंगे सो वन बाय टेन इंटू वन बाय टेन हो जाएगा ठीक है सो फाइव से टू टाइम गया ये है ना सो वन बाई फोर्टी वन बाई फोर्टी जूल यही एनर्जी होगा स्टोर्ड इन द इंडक्टर ठीक है सो इस तरह से जो है हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं आयरल सर्किट को फोर्टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू इन्फिनेटी ठीक है सो देख लिया जाए फिर से इसको एक बार पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ लेना है क्वेश्चन के पार्ट्स को देख लेना है बस एक एडिशनल हमने ऐड किया इसमें है ना फिफ्थ फाइंड एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एनर्जी स्टोर जब भी निकालना रहता है डैट इज आफ्टर लॉन्ग टाइम और एट इक्वल टू इन्फिनिटी ठीक है